गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उम्मीद करती हूँ आप सबने फोर चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर जिसका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसे कंप्लीट कर ले। नेक्स्ट मंडे मैं टेस्ट लूंगी क्लासरूम में, ठीक है? तो मंडे तक आप अपना चैप्टर फोर रिवाइज कर लीजिए। और बच्चों, ये जो टेस्ट होंगे आपके, इसे सीरियसली लेना है आपको, और इसके मार्क्स जो है इंटरनल असेसमेंट में ऐड होंगे। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपने देखा होगा सनफ्लावर की जो पेटल्स होती हैं उसका कितना सुंदर पैटर्न होता है। इसी तरह से हनीकॉम, उसके जो होल्स होते हैं उसमें भी एक पैटर्न बनता है। ग्रेन्स ऑन ए मेज कॉब, स्पाइरल्स ऑन ए पाइनएप्पल एंड पाइन कोन एटसेट्रा। अब ये सारे एग्जाम्पल जो है आप नेचर में देख चुके हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे रीना जो है उसने एक जॉब के लिए अप्लाई किया और उसका सिलेक्शन हो गया। उसकी जो सैलरी है वो डिसाइड हुई 8000 और उसे कहा गया कि आपका एनुअल इंक्रीमेंट 500 लगेगा। एनुअल इंक्रीमेंट का मतलब हर साल 500 उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले साल उसकी जो सैलरी थी वो कितनी थी? 8000। नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी? उसमें हम 500 एड कर देंगे। सो 8500। उससे नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी? उसमें हम फिर 500 ऐड करेंगे, मींस 9000। तो 8000, 8500 एंड 9000 एंड सो ऑन। इसी तरह से 500 हर साल में ऐड होता जाएगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। आप सबने ये लैडर तो देखी होगी। लैडर में क्या होता है, जो सबसे नीचे वाली जो रक्स होती है इसकी लेंथ ज्यादा होती है, वो धीरे धीरे कम करते जाते हैं। अब इसमें है कि लैडर डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। द बॉटम रंग्स इज 45 सेंटीमीटर इन लेंथ। हर उसमें 2-2 सेंटीमीटर कम होती जा रही है। तो पहले की अगर लेंथ है 45 तो दूसरे की कितनी हो गई? 43, फिर 41, हम 2-2 उसमें से डिक्रीज करते गए। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि ये स्क्वायर, ये आपका 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ये 2 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अगर हम इसके अंदर यूनिट स्क्वायर्स बनाते हैं, हाउ मेनी स्क्वायर वी विल गेट? इसमें 1, 4 एंड 9, मींस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी तरह से ये दो और एग्जांपल हैं, हम सारे एग्जांपल्स इसके देख सकते हैं। अब इन सारे एग्जांपल से हमें क्या पता चला? इन द अबव एग्जांपल्स वी ऑब्जर्व सम पैटर्न्स, हमें कुछ पैटर्न्स मिले। सब में अलग अलग टाइप के पैटर्न्स मिले। इन सम वी फाइंड दैट सक्सीडिंग टर्म आर ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। जैसे कि फर्स्ट केस में था कि उसमें फिक्स नंबर 500 एड होता गया। इन अदर बाय मल्टीप्लाइंग विद ए फिक्स नंबर। इन अनदर वी गेट दे आर स्क्वायर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर। जैसे ये स्क्वायर वाले में क्या था, वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर थे। तो तीनों में हमें अलग अलग तरह के पैटर्न मिले। इन दिस चैप्टर, अब इस चैप्टर में हमें क्या करना है? इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस वन ऑफ दीज पैटर्न्स। कौन से पैटर्न हम डिस्कस करेंगे? इन विच सक्सेडिंग टर्म्स आर ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। जो नेक्स्ट टर्म हमें लेनी है उसको लेने के लिए हमें पिछली टर्म में कोई एक फिक्स नंबर एड करते जाएंगे, ठीक है? नाउ वी कम टू अवर टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए, 1, 2, 3, 4, 100, 70, 40, 10 एंड सो ऑन। देखिए फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, 1, 1, 1 ऐड करते जा रहे हैं। सेकेंड केस में 30 सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। थर्ड केस में 1 हम ऐड करते जा रहे हैं। फोर्थ केस में हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मीन्स या तो हमने 0 ऐड किया या हमने 0 सब्ट्रैक्ट किया। और इस केस में हमने क्या करा, -0.5 को सब्ट्रैक्ट करते गए। ईच ऑफ द नंबर्स, जो ये नंबर्स हैं 1, 2, 3, 100, 70, ये सारे जितने नंबर्स हैं, ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म। इनको हम क्या वर्ड लेते हैं? टर्म। ये सारी क्या है? टर्म्स। सो इन ऑल लिस्ट अबव वी
See that successive terms are obtained by adding a fixed number to the preceding terms. Such list of numbers is said to form an arithmetic progression. चाहे हमें वन ऐड करना पड़ा, चाहे हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ा. सब्ट्रैक्ट का मतलब भी हमने माइनस को ऐड कर. So, arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. First term के अलावा जितनी भी terms आएंगी उसमें हमें कोई fixed number को add करना पड़ेगा. और उस fixed number को हम क्या कहते हैं? The fixed number is called common difference. What is the word used for this? Common difference, and it is denoted by d, small d, of the AP. Remember that it can be positive, negative or zero. जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, जैसे इस केस में हम माइनस 30 माइनस कर रहे हैं, means we are adding minus 30. तो हम एक fixed term add कर रहे हैं, चाहे वो positive होगी, चाहे वो negative होगी, चाहे वो zero होगी. So you have to note down this definition of arithmetic progression. ये मैंने निशान लगाया हुआ है, इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है. Now we come to the general form of AP. What is the general form of AP? Suppose we are taking first term as A and second term में हमने D add करा तो हमें मिली A plus D. Third term में हमने फिर से D add करा तो A plus D plus D, A plus 2D. Again we are adding D, A plus 3D and so on. This is the general form of AP. A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. Here this is A is called first term and this is first term. So जैसे A1, A2, A3 and so on. First term is A. When you are subtracting A2 minus A1, A2 minus A1 means A plus D minus A, we get D. Consecutive terms का जब हम difference लें, A3 minus A2, अब A3 क्या है? A plus 2D, A plus 2D minus A plus D is equal to A plus 2D minus A minus D. Again we are getting D. Means कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आएगा दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस. सो कॉमन डिफरेंस इज डी. नाउ वी टेक सम एग्जांपल्स. Example 1. For the AP 3/2, 1/2, minus 1/2, minus 3/2, write the first term A and the common difference D. अब आप देख रहे हैं इसमें first term क्या है? 3/2, direct आप लिख सकते हैं. When we have to find D, D means consecutive terms का difference. Either A2 minus, अगर हमें already given है कि ये AP है, तो हम किसी का भी डिफरेंस निकाल सकते हैं. A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड सो ऑन. सो D इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/2, ये आ गया माइनस 1. इस तरह से हम इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं. नाउ सी द एग्जांपल 2. विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर डज फॉर्म एन AP? कौन से इसमें AP है, अब हमें ये चेक करना है. 4, 10, 16, 20, क्या ये AP है? अब देखिए, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया? 6. 16 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया? 6. 22 में से 16 सब्ट्रैक्ट किया कितना आया? 6. इन ऑल द केसेस
डिफरेंस इज सेम. सो दिस इज द कॉमन डिफरेंस. सो दिस इज एन एपी. सो वी कैन से दैट दिस इज एन एपी अगर इसका आपका डिफरेंस सेम आ रहा है. अब कह रहा है आगे, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स. अब आपको नेक्स्ट टू टर्म्स निकालनी है, तो 22 के नेक्स्ट क्या होगी, हम इसमें 6 ऐड कर देंगे, 28 में 6 ऐड कर देंगे 34. इस तरह से हम नेक्स्ट टू टर्म्स जो है वो निकाल सकते हैं. इसी तरह से बाकी सारे एग्जांपल्स हैं, ये आप करके देखिए, फिर हम करेंगे अभी एक्सरसाइज 5.1.